वेलकम टू फन विद आराध्या। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज तो मंडे नहीं है, फिर भी मैं आ गई। पता है मैं क्यों आई हूँ? आपके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। मेरे पास बहुत ही अच्छे और इजी और सिंपल एग्जाम हैक्स है, जो एग्जाम से पहले आपका माइंड एकदम रिलैक्स कर देंगे और आपके मार्क्स भी एकदम अच्छे आएंगे। तो मुझे आपसे शेयर करने थे, तो मुझे आना ही था। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो हैक्स देखते हैं। पूरे सिलेबस में कुछ ना छूटे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना पूरा सिलेबस एक जगह लिखें, फिर उसके बाद उसको प्लान करके डिवाइड करें कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है। इससे आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। इससे आपको पता रहेगा कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है और जो भी आपके टॉपिक्स होते जाएं उन पर आप एक टिक लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट या सैंपल टेस्ट को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे एग्जाम टाइम में जो भी आपकी एंजाइटी होती है, जो भी आपको कंफ्यूजन होती है, जैसे हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे अटेंड करें या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे अटेंड करें, वो सब हमारी दूर हो जाती है। हम अपना एग्जाम एकदम रिलैक्स माइंड से दे सकते हैं। आपको स्कूल से बहुत सारे मॉक टेस्ट या फिर सैम्पल टेस्ट तो मिले ही होंगे, अदरवाइज गूगल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। कल के एग्जाम के लिए जो भी हमें डिवाइस यूज़ करना है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर वो टैबलेट हो, हमें उसे आज रात को ही चार्ज कर लेना चाहिए ताकि हमें सुबह सुबह भागा दौड़ी ना हो। एग्जाम के दिन, एग्जाम से पहले हमें कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमें कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, हमने पहले जो पढ़ा हुआ है हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम शुरू होने से कम आधा घंटा पहले हमें अपने सारे डिवाइसेस सेट करके रखने चाहिए। जैसे अगर आप एक्सटर्नल कैमरा यूज कर रहे हैं तो आपको उसे सेट करके रखना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन को चेक करके सेट रखना चाहिए। एग्जाम के टाइम जो भी हमें सामान चाहिए उसे हमें पहले से ही अरेंज करके रख लेना चाहिए, जैसे पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर। अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं तो आपको पेंसिल को शार्प करके रख लेना चाहिए। अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेन भी रखना चाहिए। हमें अपने साथ एक पेपर हैंडी रखना चाहिए, जैसे एग्जाम में कोई कैलकुलेशन करनी हो, कुछ नोट डाउन करना हो तो हमें एग्जाम के टाइम भागना ना पड़े। एग्जाम टाइम से कम 10 मिनट्स पहले हमें लॉग इन कर लेना चाहिए ताकि अगर कोई भी इशू हो, जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू हो, तो हमारे पास उसको सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम हो और हमारा एग्जाम का टाइम भी वेस्ट ना हो। और हाँ, हम टीचर्स के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी सुन सकते हैं। पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। इंक्रीज, एक्सटेंड, डिक्रीज। इसका आंसर शुड बी डिक्रीज। रीड, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर उसको अच्छे से समझो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। डिक्रीज। एग्जाम में कंसंट्रेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे पास एग्जाम देने के लिए कितना टाइम बचा है। ये टाइम मैनेजमेंट हमें मॉक टेस्ट सिखाते हैं। पेपर सबमिट करने से पहले अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप अपने
अपने पूरे पेपर को एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। नाउ माई एग्जाम्स आर ओवर, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, फिंगर्स क्रॉस। आई होप कि आपको हैक्स अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।